नंबर है भाई। अरे सलमान का लड़ पे गया उसके। बढ़िया बढ़िया। दबंग तो घटिया मूवी है, हाँ घटिया मूवी। अरे सुपरस्टार इंडिया का एक ही सुपरस्टार है रजनीकांत। बाकायदे बैनर में लिख के आती है, सलमान का लिख के आती है क्या? नहीं लिख के आती। बढ़िया फर्स्ट क्लास मूवी। सुपर सुपर अच्छी है भाई, अच्छी है, अच्छी है बहुत। रजनीकांत का एक नंबर, एकदम एक्शन एक्शन अच्छा लगा। रजनीकांत की बॉडी कैसी लगी? बॉडी तो बेसिकली अभी तो उम्र हो गई उनकी। सुनील शेट्टी विलन का रोल अच्छा किया। पाँच में से पाँच था, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है, सही है, सही है, सही है, अच्छे। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं। वो इंट्रोल के बाद ही आता है, सही है। बहुत अच्छा पिक्चर लगा। रजनीकांत की एक्टिंग बहुत अच्छी है और सुनील शेट्टी की भी बहुत अच्छी है। वो फाइट बहुत होती है, बाद में लास्ट में ऐसा लगता है कि ये फाइटिंग बहुत लंबी चलेगी, लेकिन लंबी नहीं चलती। वो चक्कूदार को सुनील शेट्टी पे मार देते हैं। वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बॉडी मतलब ऐसे शर्ट खोल के नहीं दिखाया, मतलब बॉडी अच्छी है। सुनील शेट्टी की ज़्यादा बॉडी अच्छी है। वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और एंट्री भी ऐसी। पाँच में पाँच तो खुद स्टार, हम क्या स्टार उनको देंगे। अच्छी लगी, अच्छी लगी। सुपर हिट, सुपर हिट। अच्छी सही लगी। एक नंबर है भाई। अरे सलमान का लड़ पे गया उसके। हाँ रजनीकांत एक नंबर। अरे मैं वो कोट नहीं तो बताया था, चल बताया था। देखो भाई कसम से उसका डांस, उसका डांस है ना, मैं कसम से मेरे को अनबिलीवेबल है। इतनी उम्र में यानी 60-70 की उम्र में उनकी जो स्टाइल है अभी भी, मैं क्या करूँ सर कसम से। पिक्चर तो ऐसी ना भाई। अरे रजनीकांत तो उसमें जान है, ये पिक्चर में रजनीकांत ही जान दे भाई। सुनील शेट्टी ऐसा नहीं काम है, लेकिन रजनीकांत के सामने कुछ वैसा काम नहीं था। अभी आपने देखा मैंने देखा अपने वैसा सेम शॉट है, मतलब वही शॉट उसको मारे वो भी इन क्या सर जो है ना गाने में तो मैं क्या बोलूँ भाई। अभी मेरे भाई बताएंगे। अरे डांस में तो मैं बोलता हूँ, डांस में तो इतना बुढ़ा कोई भी नहीं आ सकता, ना अमिताभ ना कोई भी, कोई भी नहीं। इस तरीके के डांस क्या है? अरे डांस बॉडी कुछ नहीं, देखो बॉडी तो आम आदमी की दिखाए, आम आदमी की दिखाया, लेकिन उसका जो फैसिलिटी दिखाया ना बुढ़े की, उतने मरे किसी की चाहूंगा सर। लेकिन वाकई में रजनी जर्जी है एक ही, मैं छे दूंगा छे। ओके वन नंबर इज वन नंबर होता है, मैं तो छे दूंगा भाई। हाँ एक नंबर एंटरटेनमेंट पिक्चर है और ज़्यादा अच्छी पिक्चर है। पुलिस के बारे में जो दिखाया है ना थोड़ा ठीक है, बाकी एंटरटेनमेंट पिक्चर पुलिस वाला गुंडा एक नंबर। जो पुलिस का जो मेन है वो सीन दिखाया है, बैड पुलिस। हकीकत में मुंबई इसीलिए बची है पुलिस वाले के से। डायलॉग तो सुपर स्टार, रजनीकांत तो सुपर स्टार ही हो गया, एक्शन से लेके हर चीज। सुनील शेट्टी का भी अच्छा काम लगा, बेस्ट और सही लगा। जो लास्ट में उसका इंटरवल के बाद थोड़ा वो दिखाया, लेकिन फिर भी अच्छा जॉब उसका। गाने तो समझ में नहीं आए क्योंकि थोड़ा इसमें हिंदी में एक नंबर मूवी। इंटरटेनमेंट नहीं है, अच्छी है दरबार, फुल इंटरटेनमेंट है, फाइव स्टार। पिक्चर अच्छी लगी, गाने भी अच्छे और एक्शन भी अच्छा है, सुनील शेट्टी भी अच्छा है। बहुत दिन की बात है सुनील शेट्टी, मगर बहुत फाइट अच्छी दी गई है। स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी है, मगर गाने बहुत अच्छे अच्छे इसमें। रजनीकांत बहुत अच्छे लगे, मगर एक्टिंग बहुत भारी भारी शॉट है जो। हाँ बहुत इशारों में टैप अच्छी है, फाइट अच्छा है और रिपोर्ट बहुत भारी आग लगा देगी पिक्चर। 300 करोड़ का बिजनेस है, पर्दे भी अच्छे हैं, मगर छोटे पर्दे में मारा, बड़े पर्दे में मारा तो बड़ी बात होती थी। और धमाल मस्त, क्योंकि तीन क्या 9 तारीख को लगेगा पिक्चर। अगर थोड़ा पीछे 26 जनवरी को मार देता तो पिक्चर कॉम्पिटिशन होते थे, आग लगाती थी और आग लगती थी। क्यों पिक्चर अगर आगे तक जाएगी तो मजा आएगा देखने में। 3 स्टार 3.5।
आपने देखी दरबार मूवी, कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी, अच्छा है। अच्छा लगा, मतलब क्यों आए थे तुम मूवी देखने? मतलब किसके लिए? रजनीकांत? रजनीकांत साहब के लिए। रजनीकांत साहब के लिए जी सर। जब पिक्चर इतने दिन के बाद वापस, बहुत दिन के बाद रजनीकांत में आए, कैसे लगे पर्दे के ऊपर? अच्छा है, यंग दिख रहे थे। और उसका एक्शन कैसा लगा? बढ़िया है, पुराने जैसा स्टाइल था। पुराने जैसा स्टाइल था। गाने कैसे लगे? गाने ठीक है, अच्छे हैं। डायलॉग्स? डायलॉग भी अच्छे सब। क्या अच्छा लगा मूवी में आपको ज्यादा? मतलब जैसे मूवी में कौन सा बेस्ट सीन लगा, ये चीज अच्छा है, कोई डायलॉग सबसे अच्छा? तो अजय साहब का एक्शन ही सबसे अच्छा लगा। हाँ। उनका स्टाइल, उनका एक्शन सबसे अच्छा लगा। और इसमें सुनील शेट्टी भी साथ में है, दोनों के बीच में कैसे लगा टक्कर? दोनों बराबर थे, टक्कर बराबर थे, लेकिन वो क्रिमिनल टाइप थे साहब थोड़ा। तो क्या लगता है, मतलब मूवी देखना चाहिए आप किसको? नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे ना, लाएंगे भी साथ में। पाँच में से कितना स्टार दो? पाँच में से कितना स्टार? अगर स्टार देगा तो मूवी में पाँच में से कितना स्टार दो? समझाने में अभी पाँच में से कितना स्टार दोगे? मन है दो तीन, जितना मन में आता है उतना दे दो। चार 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 चार। थैंक यू। तो भाई आपने देखी दरबार, मतलब फुल पहले दिन तो दरबार, पहले ही बोले थे दरबार देखेंगे करके, आज तो देख ही ले दरबार। हाँ, तो जो मैं बोला था, कमिटमेंट किया था, आज 9 तारीख है और 9 तारीख के हिसाब से रजनीकांत सर की मूवी लग गई है और जिस हिसाब से मैं सोचा था उस हिसाब से पब्लिक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मूवी नंबर वन है, मूवी में कुछ कमी नहीं है और जो रजनीकांत सर ने जिस हिसाब से काम करना चाहिए, काबिले तारीफ़ है उनका। जो ये जो है झटकना फटकना जो है, चलना स्टाइल जो है, कुछ कमी नहीं है, परफेक्ट है और इतना ज़बरदस्त है कि उनको जितना ही इनका तारीफ किया जाए कम है। और अब हम लोग बात करेंगे रजनीकांत का जो मूवी है, ज़बरदस्त एक्शन मूवी है, इतनी ज़बरदस्त है, कोई कमी नहीं है मूवी में इतना नंबर वन मूवी बनाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम लोग 2-0 देखे थे जो अक्षय कुमार के साथ जब मूवी आई थी, जितना धमाल किया था उस हिसाब से जो ये इसका भी प्रचार हुआ है और पूरा जो है सब जगह पर कहीं भी कुछ कमी नहीं आया, परफॉर्मेंस जो भी है मतलब हर एक जगह पर इसको प्रचार में कोई कमी नहीं रखा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लगता है कि ये जो है मतलब सिर्फ रजनीकांत को जो है देखने के लिए जो है नहीं आ रहे हैं पब्लिक और सुनील शेट्टी का उतना ये नहीं वजन चल रहा है, लेकिन पब्लिक जो है जो भी जितने भी चाहने वाले हैं आ रहे हैं। लेकिन अगर वही जो 2-0 की बात करें जब अक्षय कुमार की और रजनीकांत सर की मूवी आई थी तो ज़बरदस्त ऑलरेडी पहले दिन की बोले तो कम से कम इतना ज़बरदस्त कलेक्शन था, फुल था और इसमें पब्लिक नहीं है। लेकिन पिक्चर नंबर वन है दोस्त, रजनीकांत की मूवी है और सुनील शेट्टी सर जो है एंट्री की हैं, बहुत ज़बरदस्त है और इतना काबिले तारीफ़ है जो पुलिस के हिसाब से जो इन्होंने काम किया है, कुछ भी बोला जाए कम नहीं है, ज़बरदस्त है। और जो मैं इसमें यही बात बोलूँगा, जो मेन जो सीन है, जो क्लाइमेक्स की बात करूँ, आप लोग ने देखा होगा वार में जब लास्ट में एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, इसके अंदर ही सेम है कि बोलते हैं कि मैं उसी जगह पर जो 27 जो पुलिस वाले को मारा था, अगर तेरे में अगर दम है तो तू आ जा, तेरी भी मैं यहीं पे मतलब जैसे ये लोग को मारा वैसे मैं तुझे मारूंगा। तो वही है, दोनों में टफ फाइट होता है। डायलॉग जो है बहुत ज़बरदस्त तो है, जो तुमको याद है बता। वो ये जो है कि मतलब है, जब रजनीकांत सर जब आते हैं तो वही रजनीकांत सर को बोलते हैं चल आ जा कमान, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब दोनों में जो है मतलब गुस्सा और दोनों में इतना टफ है, मतलब दोनों लड़ते हैं और उसमें मतलब इतना है, मतलब लड़ाई सेम है, सेम टू सेम लड़ाई है, जो वार में जो लड़ाई हुआ सेम टू सेम है। लेकिन वार में जो मतलब जुनून और जो ये था मतलब एक दूसरा जो मिला वो घुसा दो, इसमें सिर्फ एक ही वो सीन देखने को मिला जैसे वार में था, लास्ट में जब ही वो रजनीकांत जो है डायरेक्ट ऐसे चाकू मारता और यहाँ खप करके जाके घुसता है, वो सीन जो है सेम टू सेम वही जैसा लगा। लेकिन मूवी जो है थोड़ी बड़ी बनाई है और मूवी इतना ख़राब नहीं है। सिर्फ पब्लिक को क्यों नहीं हिंदी में पसंद आ रही है मैं वो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सर मैं यही बोलूँगा हर एक दर्शक को कि रजनीकांत सर की ज़बरदस्त मूवी है, आप लोग देखिए, कोई इसमें गलत नहीं है, एक्शन से भरपूर है और ज़बरदस्त इसमें सीन है। ये है पुलिस वाले लोग अगर किसी को मारते हैं उसका उनको खामियाजा कैसा भुगतना पड़ता है, इसमें वो बताया गया है। पहले पुलिस वाले मारते हैं, बाद में पुलिस वाले को जो है उसको बदला लेने के लिए जब उसको ये करते उतारू हो जाते, तो इसमें उसके ऊपर स्टोरी बनाई गई है। देखिए सस्पेंस है, मूवी अच्छी लगी, मूवी दोस्त लोग को बताएंगे? नहीं नहीं, मूवी नंबर वन है, मैं आपको पहले ही बोला मूवी में कुछ कमी नहीं है, मूवी नंबर वन है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को क्यों हिंदी में नहीं पसंद आ रहा है, कि अक्षय कुमार नहीं है इसके लिए,
कि सिर्फ रजनीकांत सर है उनको अभी नहीं पसंद कर रहे इसके लिए, लेकिन अभी जो है सुनील शेट्टी सर ने मतलब विलन का काम किया, उनका तो अच्छा काम है, लेकिन लगता है अभी उनका ये नहीं चल रहा है इसके लिए उनको नहीं पसंद किए। अभी रजनीकांत के इतने लग रहा है अभी हिंदी में नहीं है, अगर वो इसी अक्षय कुमार जी अगर या तो अजय देवगन अक्षय कुमार कोई बड़ा एक्टर रखता था हो सकता था ये मूवी जो है धमाका करती थी। प्रॉब्लम यही हुआ है मूवी में कुछ कमी नहीं, मूवी नंबर वन है। देखिए वो बॉडी जो सीन बताया वो एक्सरसाइज करते समय बताया, ऐसा कुछ है मतलब जैसे आप सोच रहे हैं कि जो सलमान खान के टाइम पे सेट उतर जाए और वैसा एक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सरसाइज के टाइम पे वो निकला है और वो एक्सरसाइज के टाइम पे वो सीन बताया। देखिए उनका तो यही है ना, यही है ना, और क्या है, बस यही है ना, उसका तो उतना तो है ही नहीं, उनका बस इतना ही तो नाचते हैं, उसका उतना ही तो है और क्या। देखिए मैं मूवी को 4 दूंगा क्योंकि मूवी में कुछ कमी नहीं है। अब पब्लिक को पसंद है नहीं है, देखिए मैं पब्लिक को जो है गलत नहीं बोलूँगा, पब्लिक जो है चाहे तो ऊपर चढ़ा दे चाहे तो नीचे गिरा दे, नंबर वन पब्लिक है पहले तो, और रहेगी मूवी को, तो मूवी को मैं 4 स्टार दूंगा। और इसमें जो काबिले तारीफ जो रजनीकांत का जो एक्टिंग है आज भी वो कमी नहीं है, मैं उनको 5 और जो सुनील शेट्टी सर ने जो 7 दिया है उनको भी 5 क्योंकि उनका भी कमी नहीं है। अब पब्लिक पसंद पब्लिक के ऊपर है, पसंद करे तो ठीक है, नहीं करे मूवी सही है, दोनों को 5-5 और मूवी को जो है 4 स्टार।